तुम अपनी मेडिसिन तो रेगुलर ले रहे हो ना? नहीं डैड, मुझसे इतनी मेडिसिन नहीं खाई जाती। बेटा मैंने कहा था कि मेडिसिन रेगुलर लेनी है, सायरा को भी कहा था ख्याल रखे। बहरहाल कल हम डॉक्टर रहमान के क्लिनिक जा रहे हैं। डैड वीकनेस से तो है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा जाना जरूरी है। क्यों? क्या मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी सोचने की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आप मुझे क्लिनिक ले जाने पर इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? तो रेगुलर चेकअप है। अब देखो ना, तुम्हारी शादी होने वाली है, कमजोर सा दूल्हा स्टेज पर बैठा अच्छा लगे? डैड जब मैं सुहानी के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक एनर्जी से मिलती है। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है बेटा, मोहब्बत तो इंसान को मौत के मुंह से खींच लाती है। चलो सोने की कोशिश करो। शाबाश। क्या खूबसूरत दिन है आज, हमने आज सुहानी के हाथ में नाश्ता किया। अब तो मैं रोज आप दोनों को नाश्ता बना के खिलाऊंगी। इनफैक्ट मैं अपने हाथों से आज पिज्जा बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जो काम करना है ना अपने घर जाके करना, यहाँ कोई काम नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी, मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि इस घर के सारे काम अब मैं करूँ, आपको कुछ भी ना करने। मैं सुहानी को माइयों बिठाना चाहती हूँ, आप घर में जरा लाइटिंग का इंतजाम तो करवा दे। हाँ हाँ, मैं अभी आपा की तरफ जाता हूँ और फरीद से कहूंगा ना तो आज ही सारा काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो लोग आएंगे? हाँ हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, ऐसी क्या बात है? हमने सुहानी का रिश्ता देने से इनकार किया था, इसी बात को वजह बनाकर शायद वो लोग ना आए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ हो भी तो हमें इनवाइट तो करना ही है ना उन्हें। क्यों सुहानी? तो बेजाना फरीद का आना बहुत जरूरी है अम्मी। बेटा वो लोग बहुत नखरे करेंगे। तो हम उनको खुद लेने जाएंगे। लड़की की तरफ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, काफी सीधी सादी है। सुहानी है तो मासूम लड़की, उसमें आजकल की लड़कियों की तरह तेज तरारी नहीं है। और उसका बाप भी मुझे काफी शरीफ इंसान लग रहा है। अच्छा है, झुका रहेगा हमारे सामने। लेकिन सुहानी की माँ मुझे काफी तेज औरत लग रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगी। उसकी माँ? वो हमारे लिए क्या मसला खड़ा करेगी? मिसेस मांडीवाला, तुमने देखा नहीं, घर में हर बात उसकी मानी जाती है। ये तो है। तो मिसेस मांडीवाला, जिन औरतों की अपने घर में चलती है और दूसरों के घर में दखल अंदाजी करने से वास नहीं आती, समझ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारी बात सायरा। बस जब तुम मेहंदी का जोड़ा लेकर जाओ तो सकीना बेगम को पहला इशारा कर देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम्मा अम्मा देख मामू आए। पापा सलाम अलैकुम। पापा कैसी हैं आप? मिल गई फुर्सत तुम्हें बहन के खैरियत पूछने की। पापा मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी कि वो आपके पास आने का मौका नहीं मिला। ऐसी कौन सी मसरूफियत थी? पापा वो असल में हम सुहानी की शादी कर रहे हैं तो अगले हफ्ते उसकी रुख्सती हो जाए। अच्छा,
तुमने रिश्ता भी तय कर दिया और मुझे अब बता रहे हो? पापा बस ये जल्दी जल्दी में हो गया, वो बैठे बिठाए रिश्ता आ गया, हमने भी हाँ कर दी बस। ऐसा कौन सा रिश्ता जो बैठे बिठाए आ गया? वो पापा वो लड़के ने सुहानी को शादी में देखा था, एक तो बबड़ी से बात आगे बढ़ गई। अच्छा ये वही लड़का है ना जो उस दिन रात को सुहानी को घर छोड़ने आया था? अब हाँ आपा वो बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े अमीर हैं उनके माँ बाप, आपा मिले हैं, जायदाद है और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ भाई साहब, दौलत इंसान को बहुत अच्छा बना देती है। खैर ये बताएं शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? लड़के को अच्छी तरह से देखभाल कर लिया ना, कोई नुक्स तो नहीं उसमें? नहीं नहीं आपा ऐसी कोई बात नहीं है, भाई तुम तो जानते हो ना। हाँ मामू देखा है। खैर भाई साहब जो शादियां इतनी जल्दी होती है ना उनमें हेर फेर जरूर होता है कोई ना कोई। नहीं आपा कोई ऐसी हेर फेर नहीं है और आपा बस ये बात सकीना के सामने ना कर दीजिएगा। तुझे बड़ी फिक्र है अपनी सकीना की? अब मैं तो उसके सारी जिंदगी मुंह भी ना लगूं। अब आपा इस मौके पर तो ऐसी बातें ना करें, आपने आना है और सुहानी को अपनी दुआओं में रुख्सत भी करना है। देखो भाई साहब इस चीज की हमसे तब उम्मीद मत रखना, हमें कोई शौक नहीं उस घर में आने का जहाँ हमारी कोई इज्जत ना हो, हम वहाँ के जलील हो। ऐसी कोई बात नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आपने आना है और जरूर आना है। वो सुहानी कह रही थी कि अगर फूफो नहीं आई ना तो हम खुद जाके ले आएंगे। आप यकीन कीजिए सुहानी आपसे बहुत प्यार करती है। बस मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस ही मैं बता दिया आपा बता। और अपने फरीद जी मामू। अब बेटा मैं तुमसे दो काम की रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो ये कि आपा को रोज आना लेके आना है ठीक है घर पे, और दूसरी जिम्मेदारी ये देखो बेटा ये पैसे रखो 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 तो सही बता दो भाई, घर में कुछ लाइटिंग वाइटिंग करवा दो, ऐसा लगे कि शादी का घर है। ये पैसे आप वापस ले लीजिए मामा, आपका भांजा एक गरीब इलेक्ट्रिशियन ज़रूर है, कम से कम एक घर को तो रोशन कर ही सकता, ये आप रख लीजिए। ये देखो सुहानी के लिए आज मैं क्या लेकर आई, चाहो तो ऐसे ही रख लो चाहे तो बनवा लो दूसरा। मम, इट्स ब्यूटीफुल अम्मी, लेकिन ये तो आपका है। बेटा माँ के पास जितना भी जेवर होता है ना वो सारा उसकी बेटी के लिए ही होता है, अभी तो तुम्हारे लिए दूसरा सेट भी बनवाना है जो तुम्हारे लहंगे की मैचिंग का होगा। अम्मी मुझे उसके साथ एक ब्रेसलेट मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो बनवाना हो ना तुम बनवा लेना, लेकिन बेटा मेरी एक बात गौर से सुनना। वो क्या? देखो तुम अपनी फूफो से और फरीद से अब कोई रابطہ मत रखो। क्यों अम्मी? सुहानी देखो तुम एक अजनबी घर में जा रही हो, अजनबी माहौल में जा रही हो, अब वहां पर तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर नए घर के बारे में सोचना है ना। सरिया बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करने वाला, लेकिन उसकी माँ बहुत तेज और चालाक औरत है, तुम्हें वहां एक एक कदम बेटा बहुत एहतियात से उठाना होगा, तुम समझ रही हो ना? तुम देखो और मुझे बताना कि कैसा है। बहुत अच्छा है।
वाह फरीद वाह, जरा सा तुझे इशारा क्या हुआ, तू बैग टांग कर फौरन चल पड़ा सोहानी के घर की तरफ। माँ, मामू ने मेरी ड्यूटी लगाई और तू जानती है मैंने मामू की कभी कोई बात नहीं टाली। कोई बात नहीं डालता, तुझे आज तक क्या सिला मिला तेरी वफादारी का? अम्मा, हर काम सिले के लिए नहीं किया जाता। तू कब समझेगा फरीद, कब समझेगा? क्या सारी जिंदगी गधों की तरह गैरों का बोझ उठाता रहेगा? वो हमारे गैर नहीं, वो तो अपने हैं। कैसे अपने हैं ये? जिन अपनों ने तेरी जिंदगी तो अंधेर कर दी और तू उनकी जिंदगी में रोशनी बखेरने जा रहा है। अम्मा, अगर मेरी ही किस्मत में अंधेरा है तो जिनकी किस्मत में उजाला है वो अपनी रोशनियों से क्यों महरूम रहे? मुझे अपना काम करने दे, जाने दे मुझे। तू कभी नहीं समझ सकता फरीद, कभी नहीं। हम ज़रियाब के फ्रेश सैंपल इसलिए ले रहे हैं ताकि इसके ब्लड का पिछले टेस्ट के साथ कंपेयर कर सकें, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स की तादाद कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इसकी तादाद ज्यादा हुई तो हमें कीमोथेरेपी का ऑप्शन लेना होगा। अच्छा वली साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरा ये ख्याल है कि ज़रियाब को उसकी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। क्या ये जरूरी है डॉक्टर? देखिए, इससे ज़रियाब की रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं। कोई खास वजह? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों में ज़रियाब की शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इस खुशी के मौके पर उसे कोई शौक पहुंचे। ये बात कुछ अरसा राज ही रहे तो अच्छा है। आओ ज़रियाब, आओ बैठो। आओ बेटा, आओ। मेरे इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं? Is everything all right? सब कुछ ठीक है, जनरल चेकअप है। आई नो, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ज़रियाब, आपको कैंसर है, ब्लड कैंसर। सरिया बेटा, तुम फिक्र ना करो, हम मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे। सॉरी। तुम्हारा क्या सारी जिंदगी वेकेशन पे रहने का प्लान है? अरे तो तुम भी जरिया आपको लेकर शादी के बाद कर दूं आज। रायला फजूल बातें नहीं करो, मैं तुम्हारी शादी के हर इवेंट में तुम्हारे साथ साथ थी। अगर तुम कल तक नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पागल, मैं कराची आ चुकी हूँ, बस अभी पहुंची हूँ थोड़ी देर पहले घर। फिर इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही थी? बहुत ही बड़ी ड्रामा हो तुम रायला। यार अच्छा ये बताओ कि सिर्फ तुम्हारे चीखने की आवाज आ रही है, घर में क्या कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा? गाने वाने कुछ नहीं हो रहे? इतनी बोरिंग शादी। अबू ऑफिस गए हैं, अम्मी बाजार गए भी हैं और मैं घर में अकेली हूँ। तो एक काम करो ना, तुम आके शोर शराबा करो। रायला आई थी, कोई गेट पे है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फरीद आओ अंदर आओ। मामू ने लाइटिंग के लिए कहा था, सोचा एक नजर देख लूं। क्या घर में कोई नहीं है? नहीं, कभी तो कोई नहीं है। फिर मैं चलता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। अरे इतने दिनों बाद अपनी शक्ल दिखाई है तुमने और फौरन ही भाग रहे हो। चलो अंदर आओ। सरिया, तुम्हारी बीमारी अभी इब्तदाई सतह पर है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे बेटा। तुम फिक्र ना करो बेटा, हम मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे।
मैं परेशान नहीं ठहर, मैं कुछ और सोच रहा हूं। इजाजत है। ये लो जूस पियो। मुझे प्यास नहीं है। प्यास नहीं है तब भी पियो, लो। फरीद, मेरी शादी हो रही है। अब्बू ने बताया तुम्हें? आज ही बताया। तुम्हें मुबारक। थैंक यू। सुहानी, शादी एक खुशी का नाम है, क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश हो। चाहने से क्या होता है, वैसे भी इंसान जो है उसे वैसा ही नजर आना चाहिए। फरीद, तुम्हें मेरे इनकार से बहुत दुख हुआ है? दुख? हाँ, बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मैंने खुद को देखा, मुझे पता चला मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। फरीद। हाँ सुहानी, मैं वाकई तुम्हारे काबिल नहीं था और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए अब मुझे दुख नहीं होता, लेकिन अफसोस जरूर हुआ। अफसोस? हाँ, बहुत अफसोस हुआ। काश अम्मा मेरे लिए तुम्हारा हाथ ना मांगती, इससे हमारे रिश्ते की जो खूबसूरती थी वो खत्म हो गई और फासले बढ़ गए। फरीद, हम एक दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता और क्या हो सकता है? अच्छा, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? तुम भी बहुत जल्द शादी करोगे और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश रहोगे। मैं एक कमजोर सा आदमी हूँ सुहानी, मैं इस वादे का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना, प्लीज।